सरकार को बोला बाकी तो जय श्री राम। चटोरी जीप कैसे लप लपाए। अब भाग गए। रोनी मस्ती तो कर थोड़ी सी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट से हम जीत गए। इससे पहले हम ऐसे पॉलिटिक्स में हाथ पांव डालते नहीं थे, तो अब घुसे तो अच्छा लग रहा है। और बाकी हम जीत गए तो ये रोड़ा पाने लगी कि भाई सबको तो पार्टी दे दी, हमें तो दी नहीं। तो इसकी वजह से बहुत छोटी सी डिमांड होती है, ज्यादा बड़ी है नहीं। कहती मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चाइनीज से वो क्या होते हैं वो, हाँ मुझे बस वो लाफिंग खिला दो, बस हो गया। तो ठीक है, बढ़िया। और एक चीज और, तो यार आज वैसे सोच रहा था कि ना अब कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया यार फैमिली वीडियोस नहीं आई है ना। तो कोई कंपटीशन कर लेते हैं, या कोई चैलेंज वीडियो कर लेते हैं, या गेम खेल लेते हैं, या मैं तो बोल रहा हूँ अंकी रोनी के साथ बैठ के फूड चैलेंज कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं। और हाँ, एक न्यूज मैं थोड़े दिन के बाद आप लोगों को और भी दूंगा, काम चल रहा है उस पर, बस थोड़ा महीना लगेगा, फिर वो न्यूज भी डिस्क्लोज करेंगे आपके साथ। सही चीज है, मतलब ना काफी अच्छा है, एक नया कदम उठाया हमने। तो देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो भी अच्छा चलेगा। बाकी तो जय श्री राम। तो चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा चटोरी जीप पे कुछ लगवा ले आता हूँ अंदर से, खुद भी खाना है और फिर निकलते हैं। और हो सके तो शाम को हमें थोड़ा चैलेंज भी करूंगा, और हमें थोड़ा सामान भी लेना। हाँ यार, इसे सामान भी लेना था थोड़ा ना, और वो अपनी कुछ शादी की ड्राई क्लीन करने के लिए साड़ियाँ वगैरह थी। अरे अंकित की शादी वाली। ओहो अच्छा, अंकित की शादी की शॉपिंग की होगी ना, तो वो कपड़े ऐसे ही हैं, कहती है कि ड्राई क्लीन नहीं कराए, तो वो भी देने। तो चलो निकलते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, देन मिलते हैं। यार तुझे ये बाय बाय लाफिंग इतने पसंद क्यों है यार? अब मजा आता है खाके, ठंडे ठंडे से ना। हाँ अब तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया। पहले आपको अच्छे नहीं लगे थे जब मैंने आपको खिलाए थे, फिर अच्छे लगने लगे। मुझे पता आपको क्यों नहीं अच्छे लगे थे, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये गर्म होंगे। हाँ, तो मुझे भी पहली बार अच्छे नहीं लगे थे, तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को पता था कि ये ठंडे होंगे, तो मैंने जब खाया तो मुझे अच्छे लगे। अब गाइस मैं भी यूज्ड टू हो चुका हूँ इस चीज का ना, अब मुझे भी अच्छा लगता है। बीच बीच में हम आके खाते रहते हैं यहाँ, और कुछ नहीं खाएंगे, बस ये तो नूडल्स हो गया थोड़े से, और यही वाई वाई लाफिंग, क्योंकि ये और कहीं मिलते ही नहीं, तो बस यहाँ से ये खाएंगे और फिर निकलेंगे। चटोरी जीप कैसे लप लपाए, घास फूस तो छोड़ दे, सब खाऊंगी। मतलब किसी भी चीज में बुराइयां निकालना तो कोई इससे सीखे, ये नहीं देख रही कि भाई एटलीस्ट हम चले गए। गाइस ये बताऊं क्या बोल रही है, कहती अयोध्या हमने और टाइम लगाना था। हाँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है आज वापस जाने का, मैंने जाने का मन कर रहा है, पर तू ये नहीं देख रही कि एटलीस्ट हम गए, भगवान ने हमारे को वहां बुलाया। हाँ, हम गए। अगर जा भी ना पाती फिर गई, वो नहीं देख रही, बस ये बोल रही है कि थोड़ा सा दिन और लगाना था। जा पाती मतलब मेरे को चीज में ना नेगेटिव चीजें देखो। दोबारा जाना है गाइस। हां दोबारा जाना ये ठीक है, मतलब मुझे जाना है कि मुझे ज्यादा दिन बिताने हैं वहां। मैं ये कह रही हूँ कि हम जल्दी जल्दी वापस आ गए, मतलब बस दो दिन अयोध्या में रुके, एक दिन काशी में, तो मुझे ठीक है चार दिन तो मारूंगा इतना ना। हर चीज में ना अच्छा ही निकालो, बुरा ही नहीं, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो, ये नहीं कि जो चीज रह गई उसके लिए मैं खुश हूं। भाई सच्ची कह रहा हूँ, लड़कियों के साथ ना या अपनी पत्नी के साथ, अब लड़की तो क्या ही बोलूँ, कभी नहीं आना शॉपिंग पे भाई, कभी नहीं आना। तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, आगे से तेरे साथ शॉपिंग पे नहीं आना। तू एक तो चीज लेने आई थी सिर्फ, नहीं मतलब तू कल ही आएगी, या अंकी रोनी किसी के साथ भी आ जाइयो, तू सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेने के लिए आई थी यहाँ, जिस एरिया से गुजर रही है वहाँ पे जो भी पसंद आए सीधे भाई, टाइम नहीं लगा रही शॉपिंग करने में, या तो टाइम लगा जो मन में आ रहा है पकड़ रही है, ये भी मुझे चाहिए, ओह ये तो काम का है, ओह तो सब काम का ही लिया ना मैंने, सब काम का भाई, एक चीज बोल के लाई थी, एक चीज और सब काम का है ना। पहले आपने झूठ बोल दिया, मैं तीन चीज बोल के लाई थी, पर जो भी है भाई ये एक लाई थी मेरे हिसाब से तो, और इसने पूरा वो, इसका नहीं आना भाई, नहीं आना, ये तो खाली कर देगी सारे का सारा। झूठ बोल रहा हूँ, तीन चीज बोल के लाई थी, चार चीज लिया। वाह भाई, काउंटर पे ही लग गया मेरे 15 मिनट तो, वो एक एक सामान वो चू 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 करके चेक करते ना, वो पता नहीं क्या क्या स्कैन सा कर रहे होते, QR सा स्कैन कर रहे होते हैं,
काउंटर पे ही लग गया आधा घंटा तो। सही है भाई, सही है भाई, देख लो कर लो ब्याह और अच्छा तो कर लो और ब्याह। मैंने शादी करी है और यार ऊपर से आपका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा। करना पड़ता है भाई, ये करना पड़ता है। उड़ने की जगह से कैसे चल रहा है, ये नहीं उड़ जू क्या हूँ कर रहा है। हेलो इसे बोल उड़, इसे पता नहीं इसके पास पंख है, पता लग गया हो गया। चल उड़ जा मिट्टू, एक गेड़ी मार के अच्छी सी उड़ा। नहीं नहीं अपने आप जाएगा, है नहीं जाएगा अपने आप, ये डरपोक करियो उड़ाइए। आ जा अब भागे लो। जा 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 वहां पे जा, जल्दी जा मिट्टू, आ जा मिट्टू। उसे वहां से नीचे फेंक, वहां से नीचे फेंक जा। वो उसके उसके वो आएगा ना, अब वो उड़ जाएगा दूसरे, उसने उड़ा दिया। कहाँ है वो? उधर गया 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 आ रहा है, वो उधर जा रहा है। ये नीचे नीचे क्यों उड़ रहा है मूर्खा, पता नहीं। आ जा ए बच्चिया, आ जा आ जा आ जा आ जा, इधर बैठने दे इसको। वो बैठ गया, अब अंदर ना घुस जाए, उस दिन तो घुस गया था, बैठ गया अब तो दिखेगा भी नहीं सारे से भी। वो वहां जाके बैठ गया, उस दिन दिख भी नहीं रहा था, बस उसकी चोंच दिखी, देख हरे के बीच में दिख भी नहीं रहा, हरा हो गया पूरा। ये बद्रमली के झंडे पे बैठे तो मजा है, वहां कोई नहीं आ सकता। वो तो चले गया, जा तू भी जा बारिश के मजे ले, चल निकल यहां से जल्दी जा, जल्दी चल जा, तू उकसा के लाया सबको, अब तू ही नहीं जा रहा, मेरा तो मूड नहीं जाने का, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा मिठू को भी ले आता हूं, बट वो सूखेगा नहीं, दो बज रहे हैं अभी, दो या तीन बज रहा है कुछ ऐसा हो रहा टाइम, तो ले आया तो वो सूखेगा नहीं, अब ये तो सूख जाएगा ये। रोनी मस्ती तो कर थोड़ी सी, ओए वो एबीसीडी वाला डांस कर तू। ओए वो पिछले छत पे दिख रहे हो, कैसे तोते एक साथ बैठे हैं मेरे में, थ्री एक ओए मेरे मुंह पर दिख रहे हो सारे तोते को देखो, वो एक दो तीन चार पांच छह सारे के सारे कैसे मजे ले रहे बारिश के। हो गया तेरा, अच्छा छत पे जा रहा है, जान की तू भी जा यार, ये बंदा यार। सो गाइज आज है शपथ ग्रहण समारोह, उसी चक्कर में मैंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करा लिया, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं तो मैं रेडी हो जाता हूँ। वो तेरा है शपथ ग्रहण क्यों, जो ये ऐसे बनी हुई है बेबी डॉल की तरह, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी की वजह से हमारी पार्टी जीत गई और आज हमारी पार्टी का है शपथ ग्रहण। पापा सुबह से वहीं हैं भवन में क्योंकि प्रोग्राम की अरेंजमेंट करनी होती है, सारी टीम लगी हुई है जोरों शोरों से क्योंकि बहुत सारे बंदे आने वाले हैं आज, और फिर पापा की कॉल आई कि भाई अब तुम भी आ जाओ, हो चुका है सारे आ चुके हैं, हल्के हल्के मेहमान सारे आ रहे हैं तो आप लोग भी आ जाओ। अंकित रोनी मम्मी रूपाली सारे जल्दी निकल गए और हम निकल रहे हैं, इसकी वजह से लेट हो गए थोड़ा सा, तो इनकी वजह से लेट हुए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं गाइस, पता ही है तुम्हारे को, तो चलो मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर। ओके बोलना चाहती हूँ कुछ? हाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तैयार हुई थी और आप सबसे आखिरी तैयार हुए हो। तेरे को तो अभी मिनट एक्सपोज करेगा परफुल, परफुल बता किसकी वजह से लेट हुए, वो तो उसको क्या पता, वो मेरी वजह से यार, कितना चालू बंदा है यार, उसने बिना सोचे समझे मेरा नाम ले दिया। हम सारे पहुंच चुके हैं मेरा हमारा भवन, ये बंदा भी पहुंच चुका है, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी जीत में बहुत बड़ा योगदान था इसका। यहाँ अंदर से तो बड़ी मस्त मस्त आवाज जा रही है,
भाई साहब भीड़ देखो, खचाखच भरे पड़े हैं सारे के सारे, बस प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है। और हम सभी सदैव अपने उन पूर्वजों के प्रति आभारी रहेंगे जिन्होंने इस गढ़वाल भवन की स्थापना की, गढ़वाल सभा की स्थापना की। परंपरा में ज्योति प्रज्वलन का है कि हमारे जीवन में जो अंधेरा है, हमारे मन में जो अंधेरा है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका संबंध हमसे इसी प्रकार बना रहेगा। मैं शंकर सिंह कुमार, पुत्र स्वर्गीय धन सिंह कुमार, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं गढ़वाल सभा रजी चंडीगढ़ के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। श्री स्वयंवर प्रसाद बंगोला, जो कि नव निर्वाचित है वरिष्ठ उप प्रधान के रूप में, जिन्होंने अपना चुनाव जीता है, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री कुलदीप सिंह रावत जी से, श्री एसपी बंगोला जी वरिष्ठ उप प्रधान, कृपया शांति। मैं सर बंगोला, श्री बंगोला सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। सभा के वरिष्ठ प्रधान के रूप में कार्य करते हुए जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा राजनीति से दूर रहकर अपने दायित्व का बिना किसी भेदभाव से पूरी सत्य निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। मैं यहाँ निवेदन करूंगा कि आप कृपया सभी शांति बनाए रखें। पत्नी श्री रमेश चंद्र नौटियाल, मूल निवासी गांव गुप्त काशी, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, संगठन सचिव के रूप में शपथ ग्रहण करें। श्री देवेंद्र सिंह रावत और श्री जगमोहन जुआल, अगर मेरी आवाज सुने तो वे भी कृपया मंच पर आए। सारा प्रोग्राम बहुत ही सही निपट गया, बस अब घर जा रहे हैं सारे, खाना खुना हो चुका है, हो गया। भी आए हुए अन्नु को, सारे परिवार को, सब लोग बहुत बहुत। डैडी जी ने बोला कि भाई शपथ समारोह है पापा का, तो मुझे तो जरूरी आना है, इसीलिए आए देहरादून से स्पेशली। देख लो ये होता प्यार मोहब्बत है ना भाई। तुमने बोला पापा आना है आगे मिनट में, ऐसी दे दी मिनट में। तो चलो अब खाना खुना खा लिया, अब निकलते हैं। मम्मी चले, चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, हाँ चलते हैं। भाभी कैसा चल रहा है? बता ऐसी है,